Juga. अच्छा, पहले तो बात क्या थी रवि,
مالدار نے مجھ سے شادی کرو نا، اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گا تو میں کنویں پہ کبھی جا دوں گی۔ ہاں ارے ہاں یار، کیا یار؟ یار تو کیوں نہیں بن جاتا میری گھر والی؟ سر جی بہت بڑی بات کر دی آپ نے، اب چاہو تو میری نوکری سے نکال دو، میں نہیں بنتا گھر والی۔ ساری میٹنگ میں مل جاتی، میں نے گاؤں کا دودھ ہی کھا رکھا۔ ہاں ارے یار کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، کچھ دن میں یہ ڈیوٹی بننے کے تیار ہو جا رہا ہوں۔ تو ہی تو تھا پردیش میں اپنا، اور تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن مجھ سے دور دور رہنا ہوگا۔ ہاں میں تجھ سے دور دور رہوں گا سر جی، لیکن 200 روپے ایکسٹرا چارج دوں گا۔ 200 روپے ٹھیک ہے پہچان نہیں گی خراب ہوگا۔ تو ایک کام کر، وہ سب میں سنبھال لوں گا، تو بس گھنگر گھنگر مت کرنا۔ سر جی سسٹر نہیں، وہ چلنے کی سب آئی ہے نا، تمہارا وائف سرونٹ کے ساتھ آئے گا۔ میٹرو اسٹیشن تک کہاں گیا چرخے
वो तो मुझे छोड़ के कब का चला गया, चला गया, चला गया। नो 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 नो, तुम तो गड़बड़ है, आपको इसका फेस देखना होगा। मैडम इतनी जल्दी क्या है, अब ये तो यहीं रहने वाली है ना, कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ ही दिन का बात है? हाँ। मतलब तुम्हारे वेडिंग राइट में अभी और टाइम लगेगा। हाँ हाँ हाँ, वो कह रहा कि पंडित आएगा, फिर वो मुहूर्त निकालेगा, उसके बाद वेडिंग। मुहूर्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑस्पिशियस मूवमेंट। ऑस्पिशियस सर, कस्टम होता है हमारे गांव में, ऐसे ही कस्टम होते हैं मैडम। जी हाँ, नए नए कस्टम, नई नई कस्टम ड्यूटी। अजी सुनिए, हाँ जी, आपने कहा था जब मैं कपड़े बदल के आऊंगी आप मुझे 500 रुपए देंगे, दीजिए ना। अरे 500 नहीं, 200 कहा था। 200 कहा था तो आप क्यों? नहीं, 500 500 ही कहा था, 500 कहा था मैंने। आपके लिए चाय बना के ला। नो, हम चाय नहीं पीता, और वैसे भी हमको चर्च जाना मांगता, हम चर्च जाता है। हाँ मैडम, आप चलिए। जब आपका वेडिंग नाइट हो जाए तो हमको बता देना। हाँ मैडम, जैसे ही वेडिंग नाइट होगा सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगा। हाँ ओके, अभी हम चलता है। अब चल के घर वाली बनते ही तुझमें बड़े लग रहे आ गए। खोल दूं क्या? क्या खोलेगा भाई? चल निकाल वो 500 रुपए। खोल दूं नहीं, अब उतार दूं क्या? नहीं नहीं यार, नहीं नहीं, अब काम दे रहा है। अच्छा सुन, चल के नहीं, अंगूरी दे। अरे ठीक है, अंगूरी देवी, जाओ एक कप चाय बना लाओ। चल मैं बिना भी चाय, कब तक मैं चाय बनाती हूँ? यार छुट्टी बना। अरे लेकिन कल तक तू ही बनाता था। जल्दी समझ गए, और बना घर वाली। यही मंडी हाउस पर पेड़ के नीचे कितने ही एक्टर बेरोजगार बैठे रहते हैं।
हम तो अपना भाग्य जरूर आजमाएंगे। अरे हमारा अग्नि देखने दूर दूर से लोग आते थे, देखना एक दिन हम यहाँ भी विख्यात हो जाएंगे। हाँ अच्छा। अरे हाँ भैया, अभी आपने हमें मेकअप में देखा ही कहाँ है, एक बार हमें मेकअप में देख लेंगे ना तो 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 ऐसे हमारे पीछे लगे हो गए। घरवाली बनाने के लिए ये कैसा रहेगा? बहुत दिनों से खाने के लिए तो संतरा खरीदा ही नहीं है। ला 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 क्या बात है सर जी, संतरे संतरे खा जा रहे हो? खाना नहीं बनाने का? खाना छोड़, प्लीज संतरा खाती है। सर जी संतरे तो मुझे नहीं पता नहीं चला। छोड़ दे, ये बताओ वो तेरी सेल्स अपार्ट का क्या हुआ? मैं 500 का नोट भूल गया, और बिना पैसे के क्या शेयर और क्या सपाटा, वही लेने आया हूं सर जी। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, चाबो सर जी। ओ बाबा, मैं ला कर देता हूं ना। ना ना सर जी, मैं ले लूंगा, आप कभी मत। अरे अब देखना, ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना सब किसका काम है? मेरा ही काम है ना, ये भी मैं ही कर देता हूं सर जी। यहीं तक ठीक है, इसके आगे मत बढ़िया। हां तू बता, तू सही कहां रखे, मैं लेकर आऊंगा। ना 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 सर जी, मैं अपने खजाने का पता हर किसी को नहीं रहता। क्या मतलब? मेरे पीठ पीछे टाका लगा दो तो। अच्छा, तुझे मेरी नियत ऐसी दिखाई देती है? सर जी, आजकल किसी की नियत में कोई भरोसा नहीं होता। हाँ, हटो मेरे सामने से। ना। हट जाओ। ना। नहीं हटोगे? ना। सोच लो। ना। उतार दो क्या? बेटा अभी थोड़ी देर में सारे ही उतरने वाले हैं। क्या मतलब? ये ले 500। ठिकाना नहीं मिल जाएगा। ठिकाना? हाँ, ठिकाना नहीं, और ढूंढेंगे अपना। हाँ,
ठीक है तो अपना बैग उठो और इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर के बाहर। हाँ, जा रहे हैं इस शहर में कुवारों को इतनी जल्दी घर नहीं मिलता। हम घूम निकालेंगे। बाहर अकेले रहने में बहुत परेशानियां आती हैं। हम सब देख लेंगे। अब बाहर बाहर अगर परेशान हो गए तो रोते हुए मेरे पास बताना। नहीं आएंगे। इतनी मुश्किल से तो एक कुवारी बनने वाला मिला था, वो भी चला गया और संतरे भी मैंने खा लिए। अब बाजार से नए संतरे लाने पड़ेंगे। क्या है? हम आपको अपना पति मानते हैं। लेकिन सुनिए, हमारी एक शर्त है। क्या? हम अलग अलग सोएंगे। हम हम अलग अलग ही सोएंगे। लेकिन सुनो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए सिवाय मेरे नौकर चरखे के। ठीक है, इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय आपके नौकर चरखे के। नहीं 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 नहीं, चरखे को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? अरे साला बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, उसे भी तो सबक सिखाना है। नहीं यार, झूठ तो अपना ही है।
रवि सर जी को घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया रिक्वेस्ट आने ने? आंटी नहीं मैडम। हाँ हाँ भाई मैडम। अरे सर जी आप कहाँ हैं? सर जी ये क्या मजरा है? ये इनसे शादी कर ली मैंने। शादी कर ली? हाँ वो भी चार पांच घंटे में। हाँ चार पांच घंटे में। आप सुन चलते हैं ये चरखा है। हाँ मैं तो चरखा हूँ। हम ना भी चरखा हो रहे हैं। चरखा मैं मतलब निकल यहाँ से। नहीं नहीं सॉरी मुझे मार मत यार। सॉरी नहीं नहीं तुझे तो बड़ा ताव आ रहा था ना। हाँ तो माफ कर देता हूँ लेकिन इसे अपनी औकात में रहना होगा। औकात काम करो ना। और ना सुनो सर फिर जरा एक कप चाय मेरे लिए बना कर लाओ। जरा एक कप चाय मेरे लिए बना कर लाना। पहले तो इसकी सुननी पड़ती थी अब इसकी भी सुननी पड़ेगी। हाँ सुननी पड़ेगी चल। लेकिन मुझे एक बात सुननी है ये चार पांच घंटे में शादी कैसे होगी? नहीं समझ में आई ना मैं समझा पाऊँ। निकालो हजार रुपए निकाल। अब पागल आदमी है क्या? बताओ क्या पागल आदमी है? हमेशा ही ऐसे करता है क्या? हमेशा ही ऐसे करता है। देखा नहीं कि मेरे पे टूट पड़ा लालच? वैसे तुम पर कोई भी टूट पड़ेगा ना। मैंने कहा था ना देव का मेकअप में देखेंगे ना तो एकदम लट्टू हो जाएंगे लट्टू। हाँ अच्छा सुनो मैं आंटी को कॉल कर लाता हूँ ठीक है? आंटी हाँ आंटी 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 नमस्ते। नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? आपको आंटी नहीं बोलना मैं तो सिस्टर। नो मदर नेवर मैडम। यस आपको मैडम चलेगा। हाँ तो क्या बात हमारे वेडिंग नाइट का? वेडिंग नाइट वो वेडिंग नाइट तो हो गया। ये देखिए मेरी वाइफ। ये तुम्हारी वाइफ है? हाँ ये हमारी मकान मालकिन मैडम डिकोस्टा। मैडम प्रणाम। तुम्हारा वाइफ तो छोटा स्लिम था। हाँ लेकिन अभी टॉल और फैट हो गया। अरे बट एक ही नाइट में टॉल और फैट कैसे हो गया? वो कस्टम होता है ना वो वेडिंग नाइट के बाद लड़की टॉल और फैट हो जाता है। ऐसे ही कस्टम होता है हमारे गांव में तो। थैंक गॉड हम आपके विलेज में पैदा नहीं हुआ नहीं तो हम भी फैट हो जाता। एनीवे लड़की का नाम चेंज हो जाता है कभी ऐश्वर्या तो कभी अंगूरी देवी और कभी किरण। नाम में क्या रखा है? वाइफ तो है। चरखे अंदर जा चाय लेकर आ। सर जी मुझे पहले से पता था इसलिए ले गया। देखिए मैडम वेडिंग का क्या है वो तो होती रहती है। सुहागरात अभी अभी हुई है। कब हुआ आपका वो मुझे तो आप ही की बातों से मालूम पड़ा कि हो गया। शर्मा रही है। कोई इनोसेंट नहीं है। मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? आप ये बोलते हम तो आपकी वाइफ से पूछते हैं आप क्यों बीच में बार बार बोलता है। मैं क्या ही बोलूं? ये क्या ही बोले वो लगी है ना बस शर्मा रही है। शी इज सो इनोसेंट। मैडम वो आपको चर्च जाना था देव भैया। आपको तो चर्च जाना था। अच्छा हम जाता है। मैडम वो चर्च में ना हमारे बच्चे के लिए प्रे कीजिएगा। सुनिए एक ही बार प्रे कीजिएगा फेंट विंस ना हो जाए। ओके हम आपके चाय के लिए जरूर प्रे करेगा। अभी हम चलता है। क्या होगा?
भाई तेरा तो पहले स्किन टेस्ट देना पड़ेगा। एक काम कर, मेरा सामान कहाँ से लेके आया?
अरे रवि भाई, तुम्हारे घर में गुसल खाना है क्या? ना हम भी नहा धो लेते, घड़ी दूर से आ रहे हैं। देखिए, अब आप ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, अरे इस पर तो सिर्फ मेरा हक है, अब देखना मेरी प्रतिभा। और मेरी प्रतिभा भी देखना, बस एक बार स्क्रीन टेस्ट हो जाए। स्क्रीन टेस्ट नहीं बेटा, तेरा तो स्किन टेस्ट होगा। ये क्या होता है? कस्टम होता है। सर जी, मैं इनका सामान तो
शिखर शिखर चलो अंदर चलते हैं। शिखर शिखर चलो अंदर चलते हैं। शिखर को भी ले चलो। शिखर अंदर चलो। क्या मुसीबत है यार। मुसीबत तो है ही, मुझे तो सिर्फ डर ही लगा रहता है। हाँ अरे इसमें डरने की क्या बात है। अरे आपको क्या पता कैसे कैसे अपनी इज्जत बचाए घूमती हूँ मैं। अरे ऐसा तुम भी ना बहुत कमाल करती हो। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर जा रहा हूँ। सुनिए हाँ थोड़ा जल्दी आइएगा। हाँ मैं कोशिश करूँगा। दस रुपये? अरे दस रुपये में आज कुछ मिलता है और दीजिए ना। और नहीं है? नहीं है। ये तो गड्डी से छुपाए बैठी ना। लालची किसी की नजर सिर्फ मुझ पे और मेरे पैसों पे। लालची आपने तो हमें भयभीत ही कर दिया जी। महाराज जी की जरूरत से जब से तरह देखा ना बड़ा घूम रहा हूँ। ऐसी खाची बीमारी मैंने कभी ना देखी। आज हमारे छोरी सारे प्रोड्यूसर अपनी हीरोइना ने ऐसी तो देख रहे और फिर मैं किसी से कहूं के तो बेहतरीन हमारी मास्टर क्लास है। तुम कौन से मित्र हो जा बच्चे कोई देख लेगा। अरे ये कौन देखेगा। पहले क्या रवि इतने क्या चरखा तो तू और मैं तो आ जाओ। अच्छा घर पे मेहमान आए हुए हैं ना। मेहमान किससे? वो देखिए आ गए मेहमान आ गए। आ गए आ गए। अब जी ये कौन है? ये दिलबाग है। इनके दोस्त यहाँ पे ना फिल्म वगैरह बनाने आए हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। और हाँ मैं यही रोहित की जगह। स्वामी जी हम दोनों को कुछ काम है, बाहर जा रहे हैं शाम कराने की। ठीक है भाई भाई सुनिए ना भाभी जी। इतनी इतनी क्या जल्दी है भाभी जी? जरूरी काम है जाने की। हाँ हाँ जरूरी काम है जाओ जाओ। अरे जरूरी काम है जाओ जाओ आराम से आना। कोई जल्दबाजी नहीं, खा पी के आना है, सारे काम निपटा देना। सारा मामला क्लियर है। Thank you.
के तू ना, अरे सामान दो।
ये आ गया मसाले भी और दीपा कहाँ गया? मैंने तो तीन का चोटी कर दी। मैं ही खा गया हूँ ना, तुम्हारा भला कर मैं। I'm gonna go get it.
सर जी पकड़िए इसको, चरखा 100 रुपये मिलने वाला चीज नहीं है।
देखा मैं नारी जाति के दिल से देखता है। हाँ बेटा, मुझे खूब पता है किसकी कितनी इज्जत करता है। चरखे अरे सोजी आमिर कमाल करते हो। चरखे ये क्या है? कस्टम है ना। लालची कहीं का। अब ये बताओ ये क्या खबर फैलाई है तुमने? पहले नहीं फैलाई, वो तो अपने आप फैल गई। चरखे ने मुझे उल्टी करते हुए देखा और उसने सर पे ये खबर फैला दी कि मुझे बच्चा होने वाला है। मैडम आई, मुझे आशीर्वाद भी दे गई। आशीर्वाद भी दे गई? हाँ, और साथ में बोल कर गई है कि ना आराम करो तो मैं चलती हूँ। कहाँ? आराम कर लो। भाभी जी आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो आराम करने जा रही हूँ। कब तक जा रहे हैं? तो जाइए ना। अरे अरे शिखर, तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? यार वो शिखा के इंटरव्यू खत्म, हमारा काम खत्म हो गया। इतनी रात में? हाँ हमारी अभी की ट्रेन है। बहुत बड़ी बात कर दी आपने, अभी तो कोई ट्रेन नहीं है या जमीन होटल जा रहा है। होटल? अरे मैं ये कह रहा था कि ये यहाँ से होटल जाएंगे, वहाँ से अपने दोस्त को लेंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे। क्यों कहते सर जी? अरे नहीं नहीं नहीं, और सुनिए फिर आइएगा, दर्शन वर्शन करते रहिएगा। आज अपना सारा सामान लेके दो। भगवान तुम्हारी कैसी हालत कर दी, काम पे आया था प्रोड्यूसर बंदे, यहाँ आके तो भिखारी बन गया। ना ना ना, आज तो मैं सामान जरूर लेके जाऊंगा। उसे खाने में देखो। आपकी मर्जी, आप चाहो तो होटल में रहो चाहे यहाँ रहो, मैं भी सामान लेकर आ गया। क्या ये बढ़िया काम सर जी? आपके फिल्म में अपना रोल पक्का है ना? वो मैं ना वो बना रहा हूँ, कोई मिल गया थी। अच्छा, उसमें तेरा जादू का रोल, जादू का, जादू का, क्या बात है, जादू लगता है दिमाग में ठीक है। ये भगवान तेरी लीला घड़ी न्यारी से, भारे को तो यूं ना समझ में आ रहा कि यूं लोग से के लुगाई बात, भारे को ना चाहिए ऐसी लीला। क्या नहीं चाहिए आपको? अरे सामान तो लगे जाते नहीं होने दूंगा, मैं ये बच्चा खिला दूंगी। भाभी सर जी बहुत बड़ी बात कर दी आपने, अरे अपने कैरियर के लिए बच्चे की मरीज चाहती है आप?
कस्टम है ना? अब ये कौन सा कस्टम है? मेरा करियर? नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। अशोक मैं बाहर जा रहा हूँ। सुनो, आप शाम को सुनो। बात सुनिए। अभी जल्दी देखिए भैया। भैया? अरे क्या है? ये क्या अभी? ये पकड़ो अपना बच्चा। बच्चा? अरे सुनो तो सही। अशोक ये क्या गजब कर रही हो? कर रही हो? नहीं कर रहा हूँ। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझ रहा। सुनो तो सही। अरे नहीं सुनना। अरे अरे कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ ही दिनों की बात है ये बच्चा? कुछ ही दिनों की बात है। अरे तुम्हारे इस बच्चे के चक्कर में तो मेरा करियर ही चौपट हो गया। अच्छा रो मत। सुनो तुम्हारा करियर चौपट ना हुआ है, अभी तुम्हारा करियर बनेगा। अरे क्या खास बनेगा? तुम्हारे इस बच्चे के चक्कर में मेरा प्रोड्यूसर मुझे छोड़ के भाग गया, मुझे अपनी बेल से निकाल कर चला गया। अच्छा हाँ एक काम करते हैं, हम कल हॉस्पिटल जाकर ना इस बच्चे का एबॉर्शन करवा लेते हैं। क्या हो गया बे? सर जी बच्चा क्यों ना चाहते? ऐसा मैं नहीं हूँ ना, सोच लीजिए। मुझे लगता है जरा खर्चा पानी खत्म हो गया है। सर जी ये पकड़िए, चरखा इतना गिरा हुआ नहीं है कि चंद पैसों के लिए बच्चे की बलि दे रहा। अरे यार वो यदि भाभी के करियर का सवाल है यार। अरे तो करियर बच्चा पैदा होने के बाद ही बन जाएगा ना। अबे यार अजीब बात कर रहा है भाई, हमारा बच्चा हमारी मर्जी, हम चाहे रखें या ना रखें। अच्छा लगता है तेरा दाना पानी इस घर से उठ गया है। सर जी उठ जा तो उठने दो। ठीक है फिर एक घंटे में मैं वापस आ रहा हूँ, तेरी शक्ल नहीं देखनी चाहिए मुझे इस घर में, समझा? सर जी बहुत बड़ी बात कर दी आपने, चला जाऊंगा। बहुतों का सूट काटा है मैंने, मेरा नाम भी चरखा है। चरखे चरखे ये चरखा कहाँ मर गया? चरखा मरा नहीं भाभी, सर जी चरखा पे ये रहा, बच्चे का इंतजाम करने गया था। अरे मैडम सर जी आइए ना, कहाँ रह गई मैं? क्या सुनता है? तो क्या सुनता है? आप अपना बच्चा बहुत ज़्यादा मानता है। जी हाँ मैडम। But why? वो अब आप बैठिए ना मैडम, आइए ना। यहाँ बैठने नहीं आया। हाँ यहाँ बैठने नहीं आया। आप हमको ये बताओ वो अपना बच्चा क्यों वोट कराना चाहता है? वो हमें बच्चा नहीं चाहिए इसलिए। बट क्यों नहीं चाहिए? बस नहीं चाहिए सर। ये तू क्या हो रहा है? ये बच्चा गिरवाने के बाद जाना चाहती है भाई। तो तू गया नहीं अभी तक? मैं तो जाऊं। अभी क्या सुन रहा है? हाँ मैडम हम इस बच्चे का अबॉर्शन करवाना चाहते हैं। बट व्हाई? क्योंकि हमें भी बच्चा नहीं चाहिए। बट व्हाई? क्योंकि भाभी सर जी का करियर चौपट हो रहा है इसलिए। बट करियर तो बच्चे के बाद भी हो सकता है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पर क्यों नहीं चाहिए? मतलब हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए। अभी नहीं, हमें कभी बच्चा नहीं चाहिए। तो कैसा काम रही है मैं? कस्टम है ना? अरे ऐसे कैसे कस्टम है? मैडम अब ये हमारी लाइफ है और हमारा बच्चा, हम चाहे से रखें या ना रखें। ओके आपका लाइफ आपका डिसीजन, मगर ये हाउस हमारा है। क्या मतलब? अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो हमारा हाउस खाली कर। बहुत बड़ी बात है। ठीक है मैडम, हम इस बच्चे को जन्म देंगे। लेकिन मैं नहीं दूंगी। कोशिश करो। मैं कह सकता हूँ तुम्हारे बच्चे के चक्कर में तो मेरा करियर भी चौपट हो गया। अरे कैसा ले लिया मैं? मैडम आप ऐश्वर्य की चिंता मत कीजिए, उसे मैं समझा दूंगा। और कोई गड़बड़ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर देरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, मैं मैडम को प्रॉमिस करता हूँ। हाँ भी सर जी, दादी
क्या कर रही है? अरे 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 भाभी जल्दी रुके तो, कहाँ जा रही है भाभी जल्दी रुके तो, अरे सुनिए सुनिए, अरे 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 दरवाजा खोलिए भाभी सर जी, भाभी जल्दी दरवाजा खोलिए। क्या हो गया, क्यों ऐसा बोल मचा रहे सर जी? भाभी सर जी अभी क्या हुआ भाभी सर जी को? अरे भाभी सर जी की दाढ़ी निकल आई। दाढ़ी निकल आई है? निकल आई होगी। ये भी कोई कस्टम है? नहीं नहीं गर्भवती स्त्रियों को दाढ़ी निकल आती है। सर जी आप मुझे जौनपुर का समझे? अरे दुनिया में इतनी सारी औरतें गर्भवती होती है, क्या सबके दाढ़ी निकलती है? नहीं सबको नहीं, कुछ कुछ औरतों को जिनको दवाई की गर्मी चढ़ जाती है उनको दाढ़ी निकल आती है। कैसी गर्मी, कैसी गर्मी? मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा है? उसी गड़बड़ का पता करने। तुम्हें उसके सामने दाढ़ी बनाने की क्या जरूरत थी? वो तो अनजाने में हो गया। अरे लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए था ना, अभी सारा भांडा फूट जाता। फूटता है तो फूट जाए। अच्छा तुम मुझसे ठीक से बात करो वरना। वरना क्या? पर वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। और दांत भी दिखाओगे? हम फिल्म देखने चलेंगे। जान बूझ के अंजान दामना तेरी घरवाली ने मुझे सब बता दिया है।
अच्छा अच्छा लगता है कि आप ऐश्वर्या से मिल चुके हैं। कान खोल कर सुन ले, मैं एक शादी को नहीं मानता। पिताजी आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? नुगई तो बच्चा भी होने वाला है, मुझे उल्लू समझता है। नहीं नहीं पिताजी, वो मेरी वाइफ थोड़ी ना है। फिर किसकी वाइफ है? हाँ अरे वो तो दिलबाग की वाइफ है। दिलबाग की? दिलबाग की वाइफ? हाँ दिलबाग ने बुढ़ापे में दूसरी शादी कर ली। पिताजी पहली या दूसरी तो पता नहीं, लेकिन वो यहाँ दिलबाग के साथ ही आई थी और दिलबाग उसे यहाँ छोड़ के भाग गया। छोड़ के भाग गया? हाँ तब से उसे छोड़ के गया है ना, तब से वो बेचारी पागल सी हो गई है। अरे हाँ पिताजी, अरे दिलबाग इस बेचारी को छोड़ के चला गया, अरे इसको देखते तो मुझे भी रोना आता है। छोरे की वाइफ नहीं है, मेरा छोरा तो इसने भान बोला है, पर दिलबाग ने किया था गलत। चखे दिलबाग को ऐसा करना नहीं चाहिए था। अरे बहुत दूर से आया हूँ, ना धोऊंगा मुसल खाना बता दे। ये सुलझ तो चल रहा है, ये कर लग रहा है। Thank you.
आज ना कोई आज तो बस सफर लेके ही जाऊंगा। भगवान जो कैसी हालत होगी हमारी। राम का चौधरी अरे यार बिना कपड़ों के घूम रहा है। आज तो मैं सफर लेके जाऊंगा। पहले तो बुढ़ापे में क्या किया अजीब अब पेट तो होगी उसने छोड़ के भाग गया। कौन पेट तो होगी। अरे बस मेरी घरवाली। अरे दादा कैसी बात करो मेरी घरवाली तो गांव में संतरा। अरे मैं संतरा की बात नहीं कर रहा मैं लीची की बात कर रहा हूँ। लीची की तुमने यहाँ पाल रखी है। कौन लीची। अरे बात करिया। शहर में आ गए बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना भी भूल गया। पर मुझ तो उस छोरी की हालत दिख ही नहीं आती। अरे देखा नहीं क्यों कर रहे थे। मैं दिलबाग को छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अभी पकड़ के लेके आता हूँ। अब के बिछड़े आज कहाँ आके मिले जैसे बताओ बताओ मैडम किसको सोता कैसा किसका मैडम कस्टमर सोता। हेलो बाजी।
अरे संदर, अरे हमारे संदर तो अभी शादी नहीं हुआ। ये आप क्या बोलता है मैन? मिसेस ऐश्वर्या, उन्हीं का तो वाइफ है। नहीं नहीं नहीं, वो तो दिलबाग का वाइफ है। वो दिलबाग? अरे वो दिलबाग तो ऐश्वर्या के साथ आया था। आप उनको कूल समझता है? यस। वो ऐश्वर्या है। तो मैडम जी, मैं कहूँ आपको कोई लड़की नीचे करिए। मेरा मतलब आपको कोई मिस अंडरस्टैंडिंग नो no, आपको कोई मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। मिसेस ऐश्वर्या का मिसेस रवि का शादी हुआ, तभी तो हमने हाउस उनको रेंट पर दिया। ये तुम्हारी चाल है। ये चाल नहीं है, ये तो हाउस है। चाल का हाउस मतलब बड़ी चाल। हम तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होने देंगे। ये तो कैसी बातें करता है मैं? तुम तो एकदम मैड है। आपको तुम मैनेजमेंट को अपना हाउस नहीं देना है। आपको ये हाउस खाली कराना मांगता। आप बुलाओ ऑफिसर। हां हां खाली करा देंगे। रवि, मिस्टर रवि बाहर आइए। आप रवि, मिस्टर रवि जी मैं छोरे जल्दी आ। मिस्टर रवि आप हमारी बात सुनिए। जी मैडम। छोरे। हां पिताजी। मिस्टर रवि आप दो ना अपने हाउस। यस मैडम। अबे छोरे तेरा बाप मैं हूं कि वो है? Okay, ये मकान खाली कर दे। ठीक है पिताजी। लेकिन पिताजी ये औरत पागल है। क्या पागल है? हाँ, जब से इसका हस्बैंड मरा है ना, तब से ये पागल हो गई है। एक बार देख लेते, देखो ये पागल है। एक सेकंड, इतनी सुधरी छोरी पागल या तो कभी पागल है। इस फूल से मेरा सर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पागलों ही देखा रहता है। क्या करूँ, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? एक तो मकान सस्ता मिल जाता है, दूसरा ऐसी बहाने एक पागल की मदद भी हो जाती है। ठीक बताया तूने, मैं तो बार बार बच गया। मैं तो किसी और ही जुगाड़ में था। मिस्टर रवि, आप हमारी बात सुनी गया नहीं? जी मैडम बताइए। हमको यहाँ उस खाली कराना मांगता, आप खाली कर दो। मैडम एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैडम मेरे पिताजी ना पागल हैं। जब से मेरी मदर की डेथ हुई है ना, तब से वो पागल हो गए हैं। आप अंदर जाकर ऐश्वर्या से क्यों नहीं बात करती? ऐश्वर्या से मिलता है। ये क्या है? इस घर में तो सारे पागल हैं। क्या मतलब पिताजी? अरे तेरे बाप पागल, उसकी वाइफ पागल और तेरी मकान मालकिन पागल। ये सब तो संयोग की बात है ना। आप चाय पीजिए ना पिताजी। तू चाय की बात कर रहा है? यहाँ तो मेरे अलग से पानी भी नहीं उतरेगा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? नहीं नहीं नहीं, अपने दोस्त रामफल के पास जा रहा हूँ। रात को रहूंगा, करके फिर आ जाऊंगा। ठीक है पिताजी। अरे छोटी बेटी आई है ना। हाय हाय हाय, मैं कहाँ है जच्चा? हाय हाय हाय, अरे कहाँ है बच्चा? बोलो ना जानी। अबे ये किसे पकड़ लाया? हाय हाय, अरे ये क्या पकड़ेगा? अरे आप तो खुद ही पकड़ आए हैं। क्यों छोटी? हाँ बोलती बच्चा, क्या तुम्हें होने वाला है? अरे इनको नहीं होने वाला है, इनके बीवी को होगा। अंदर जाइए। हाँ छोटी आ जा। चुप करो वरना अभी बाहर निकालूंगा। हाय हाय हाय, अरे बाहर क्यों निकालता है? अरे हम तो पहले से ही चुप है। क्यों छोटी? चुपचाप अंदर जाओ ना, अंदर जाओ। चलो चला आजा छोटी। बच्ची का एग्जाम हुआ? अरे सर जी मैं हिंदी एग्जाम में जाना हूँ। अबे यार तू फंसवाएगा। अरे ये क्या फंसवाएगा? अरे हम तो खुद ही फंसे बस आया। क्यों छोटी? ये छोटी है बड़ी। और तू दोनों का बदल जाओ। चलो क्यों नाराज होता है ना तू? मैडम आप बाहर आ जाइए। हाय हाय हाय, अरे मैडम का बाहर क्यों बुलाता है? अरे बच्चा क्या पब्लिक के सामने पैदा होगा जानी? अरे बच्चा अंदर ही पैदा होगा, तुम लोग अंदर जाओ। चलो चलो आजा छोटी, चलो। मैडम आप बाहर आ जाइए प्लीज। बाहर क्यों बुलाया? वो नर्स आ गई है बच्चे की देखभाल करने के लिए।
अपने होने वाले बच्चे की शक्ल सबसे पहले मैं ही देखूं। वो तो सबसे पहले नर्स देखेगा। मैं उनको बोलूंगा कि आंखों पर काला कपड़ा बांध कर ऑपरेशन करें। मुझे कुछ जरूरी दवाइयाँ लेने जाना है। आप बाहर ही रहिएगा मैडम। कोई मैं नहीं हुआ, कोई मैं नहीं हुआ। Who are you? हम बस बढ़िया खिलाड़ी होता, हम उसको ले जा रहे हैं। No, आप उसको नहीं ले जा सकता, उसका डिलीवरी होता। हाँ, हम उसको लेकर जाएगा, हमारे गांव में कस्टमर होता। हमारे गांव में कोई डेंजर ही होता, कहाँ उसको बुलाइए। अरे उसका डिलीवरी होता, हमने बोला था। हाँ, इसका मतलब वक्त से पहले आ गया, हम उसको लेकर जाएगा। हम अंदर नहीं जाएगा, हम इसको अंदर देगा और आ जा। यह बच्चा की दवा है ना, चलो हमें बच्चे की दवा। हाँ, हमारे गांव में इतनी बड़ी बड़ी दवा था। पिताजी, मैंने और किरण ने शादी कर ली। शादी कर ली बेटा? जीते रहो जीते रहो जीते रहो। मैडम डिस्को सोटा बोलता था ना, बढ़िया। मेरे छोरे की वाइफ नहीं है, मेरे छोरे की वाइफ तो देखो किरण आई है। चरखे का वो चरखे का नहीं होता, वो शिखर भाई बता सिखाता। शिखर तो ये रहा, और ये शिखर की वाइफ। अरे शिखर, तुमने बावड़ी छोरी से ब्याह कर लिया? नहीं, मैं तेरी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो ऐश्वर्या की कर रहा हूँ, जिससे इसने शादी की है। ओ चाचा, ऐश्वर्या से मैं भी शादी करूंगा, वो तो रवि की वाइफ है। ये कुछ भी हो सकता है मैडम। बनारसी साड़ी लूंगी ठोक बजा के। ये कौन है, ये नर्स है या हमारा धंधा तो सड़क से लेके ना पार्लियामेंट तक पहुंच गया। अरे तुम्हारा धंधा सड़क से पार्लियामेंट पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, मैं तुम्हें एक रुपया नहीं देने वाला। कैसे ना देगा, मैं तो लेकर जाऊंगी कसम मुर्गा माता की। छोटी नहीं देगा, छोटी चल मिशन चालू कर दे अपना। इन लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, हाजी हाँ दुपट्टा मेरा, हाजी हाँ दुपट्टा मेरा, हाजी हाँ दुपट्टा। तुम भी अपना जुगाड़ जल्दी से कर लेना, मैं फिर आती। झुमका प्रेमी वाला लेके जाती, प्रेमी वाला झुमका। बाचा कपाली का घर में खुश खबरी आने वाला है। अच्छा, चल दिल्ली के बाजार में झुमका गिरा झुमका, क्या हाय 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 झुमका। बहुत बड़ी बात करी मैडम सर जी। चरखा
तरखा तो तरखा हो गया। जी सुनिए, ये नीचे हमारे ईश्वर तू प्रोड्यूसर जी, प्रोड्यूसर जी। जाती है तो एक दो तीन हो जाती है।